ए है गाइस सिमको आयुर्वेदिक तेल जेड़ा 16 खास आयुर्वेदिक औषधियां नाल बनया है। बथेरे लोका ने एनु अपनाया क्योंकि एदे जो सारे आयुर्वेदिक तत्व हैगे ने जिदे नाल तुहाडे वालां नु मिलदी है खूबसूरती, दमदार मजबूती, काले लंबे तिकने वाल। इस्तेमाल करो ते फर्क खुद वेखो बस कुछ ही हफ्तियां। सिमको इंट्रोड्यूसेस ऑल न्यू स्विफ्ट पावर हेयर स्प्रे अवेलेबल इन मेगा एंड अल्ट्रा स्ट्रांग। सिमको Also available in gel form. This program is sponsored by Simco. Simco Supreme Hair Fixer. Simco Classic Hair Fixer. Simco. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे इस एपीसोड विच असी दर्शकां दा जी आया कहने हाँ। आज पूरे संसार दे विच गुरद्वारा साहिबान दे विच लखां करोड़ां लोग गुरु का लंगर छक रहे ने और लखां करोड़ां रुपया इस लंगर दे उत्ते खर्च किया जा रहा है। ये मुबारक है कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह दी दित्ती हुई परंपरा नू गुरु के सिख जड़े ने बड़ी खूबसूरती, नेक नीति और दया दिली नाल निभा रहे हैं। लेकिन यह है शरीर की भुख मिटाण का रस्ता, लेकिन आत्मा नू भी किसे लंगर की लोड़ है। आओ रल के उपराला करिए इस संसार दे विचकार गुरमत और गुरबाणी दे ज्ञान ते प्रसार दे लंगर ला दईए। एक करोड़ों रुपये दे विचों अगर थोड़ा जा हिस्सा भी कट के असी प्रचार ते प्रसार वर लाएंगे ते आन वाले समय दे विचकार इस संसार दे विचकार सिख धर्म की पहचान नू दुनिया नू दसण नू सानू कोई लोड़ नहीं रह जाएगी। आओ कोशिश करिए इस दसवंध विच्चों गुरु के लंगरां दे नाल नाल बाणी दे प्रचार दे प्रसार दे लंगर भी लाइए ताकि साडा ते पूरे संसार दा भविख उज्जवल हो सके। आज दे इस एपीसोड दे विच साडे बड़े हैरानजनक तुहाडे सामने जिहड़े अगले प्रतियोगी आ रहे ने 13 साल दे उस बच्चे नू असीं तुहाडे सामने लिया रहे हां जिसका नाम है गुरशरण सिंह जिहड़े कि चंडीगढ़ तो आए ने। मैं उन्होंने जी आया कहांगा वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सर गुरशरण सिंह जी इस सीट पर बैठने की कृपालता करो। सरदार गुरशरण सिंह जी तुसी चंडीगढ़ तो इत्थे प्रोग्राम च हिस्सा लैन वास्ते पहुंचे, ठीक है? तुहाडा शौक की हैगा? मेरा शौक है गुरमत दियां क्लासां लाउणियां ते ड्राइंग करनी, जो गुरमत कॉम्पीटिशन होंदे आ उहनां विच भाग लैणा। सो सरदार गुरशरण सिंह जी आपां ये गुरमत दा जो ये प्रतियोगिता है जिन्हों कहने आओ बनिए गुरसिख प्यारा ये टाइटल नू लैन वास्ते तुसी इत्थे आए हो और इहनू शुरू करन तो पहलां मैं चाहवांगा कि आप जी नूं इस दे रूल दस दवां। इहदे विचकार 13 प्रश्न पुछे जाणगे जिहड़े कि 3 हिस्सों विच ने। पहले पार्ट दे विच जिहड़ा है वो 5 क्वेश्चन ने, दूजे विचकार 5 ने, तीजे विचकार 3 ने और इन्हां विचकार पहले जो पार्ट है वो विचकार तुहानू 45 सेकेंड मिलणगे, दूसरे विचकार 60 सेकेंड मिलणगे। जदों तुसीं दोनों लैवल नू क्रॉस कर जाओगे तो तीसरे विचकार समय की सीमा समाप्त हो जाएगी और तुहाडे कोल सारे इहदे प्रतियोगियां दे विच तुहाडे कोल प्रतियोगिता दे विच 2 लाइफलाइन, एक है 50-50, एक हैगी एक्सपर्ट एडवाइस। और मैं तुहानू ये सलाह देना चाहवांगा कि तुसी बिल्कुल भी इस लाइफलाइन नू इस्तेमाल करन विचकार हिचक ना करना। जिते तुहानू ये लगे कि मैनू ये लै लेनी चाहीदी है तो लै लेना। सो मैं कंप्यूटर जी नू बेनती करांगा कि गुरशरण सिंह जी नू इस प्रतियोगिता दे विच पहला प्रश्न दिता जाए। ए सिख हू डिसरिस्पेक्ट हिज हेयर्स यानी केशास इज कॉल्ड, ओ सिख जिहड़ा अपने केसां दी बेदबी करदा है उहनूं की किया जांदा है? ए पतित, बी बंदी, सी तनखाइया, डी मनखाइया। ए पार्ट पतित। ए पतित, इहनूं लॉक करता जावे। श्योर कंप्यूटर जी गुरशरण सिंह जी कहिंदे ने ए नू ए ऑप्शन नू लॉक किया जाए।
इट राइट आंसर, बिल्कुल ठीक। साड़ी रहत मर्यादा अनुसार जेड़ा गुरसिख केसां दी बेदबी करता है उसनू पतित किया जाता है। तो बिल्कुल ठीक, ये आप जी ने सोच के जवाब दिता, मैं लगता है बहुत अच्छा। तुहाडे चेहरे की मुस्कुराहट दस रही है कि तुहाडे अंदर विश्वास वधिया होया। सो बहुत अच्छा, मैं हुण कंप्यूटर जी नूं बेनती करांगा कि अगला प्रश्न गुरशरण सिंह जी नूं दिता जाए। ब्रह्मन्स एट हरिद्वार साखी इज रिलेटेड टू विच सिख गुरु? जिहड़ी हरिद्वार वाली ब्राह्मणा वाली साखी है वह किहड़े गुरु साहिब दे नाल संबंधित ने? ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु अंगद देव जी, सी गुरु अमरदास जी, डी गुरु गोबिंद सिंह। ए पाठ श्री गुरु नानक देव जी। कंप्यूटर जी, गुरशरण सिंह जी कहिंदे ने जिहड़ी हरिद्वार वाली साखी है वह गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नाल संबंधित है, तो ए ऑप्शन नूं लॉक किया जाए। इट राइट आंसर, बहुत वधिया खेलते पे हो, बहुत अच्छा प्रतियोगिता जिस्सा लैके अगे वधा रहे हो। और सब तो वड्डी गल है कि साखियां ही सिख इतिहास नूं जानकारी लैण वास्ते सब तो इंपॉर्टेंट स्रोत रहा है। सरदार गुरशरण सिंह जी, आप बहुत अच्छा खेलते पे हो और तुसीं दो सवालों का बहुत अच्छा जवाब दिता है। मैं हुण कंप्यूटर जी नूं बेनती करांगा कि सरदार गुरशरण सिंह जी नूं इस प्रतियोगिता का तीसरा प्रश्न दिता जाए। आइडेंटिफाई द फेमस सिख वॉरियर, प्रसिद्ध सिख योद्धा की पहचान करनी है, तुहानूं हुण एक चित्र दिखाया जाएगा और चित्र कुछ लम्हे तक तुहाडे सामने रहेगा, उस तो बाद तुहाडे सामने ऑप्शन आन गियां और ऑप्शन के विचों तुसीं चूज करना होगा। पहले ही कॉन्फिडेंट हो गए हो, हैं? पक्का ऑप्शन देती हैं जान? सो कंप्यूटर जी, ए बाबा दीप सिंह जी, बी बाबा बंदा सिंह बहादुर, सी भाई गुरदास जी, डी भाई मनी सिंह जी। बाबा दीप सिंह जी नाल जाना चाहते हो? ऑप्शन ए बाबा दीप सिंह जी नाल जाना चाहते हो। तो कंप्यूटर जी, सर गुरशरण सिंह जी ऑप्शन ए नाल जाना चाहते ने, कृपा करके ऑप्शन ए नूं लॉक किया जाए। इट राइट आंसर, सर गुरशरण सिंह जी, बाबा दीप सिंह जी, बिल्कुल ठीक उत्तर तुसीं ते कहा। वो योद्धा जिन्हां ने अरदास की और अरदास करन तो बाद फिर शहादत दे दित्ती लेकिन डोले नहीं, वो महान योद्धा बाबा दीप सिंह जी नूं अज पूरे संसार दे विच केवल योद्धा करके नहीं विद्वान करके भी जाना जाता है और कौम के अंदर उन्हां दा बहुत सत्कार है, बहुत सत्कार है। तो बहुत अच्छा खेलते पे हो और मैनूं आस है कि इसे तरीके और इसे कॉन्फिडेंस नाल खेलते रहोगे तो आज तुसीं कोई ना कोई इतों दे इनाम लैके जरूर जाओगे। तो कंप्यूटर जी नूं मैं बेनती करांगा कि सर गुरशरण सिंह जी नूं अगला प्रश्न दिता जाए। हू वॉज द हीरो ऑफ इंडो पाक वॉर इन 1971 एट बंगलादेश? बंगलादेश की जड़ी जंग हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की हुई सी 1971 का हीरो कौन सी, यानी कि उसका सारा मान सत्कार किदे सिर दे उत्ते होया सी? उहदियां ऑप्शनज ने ए जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा, बी जोगिंदर जसवंत सिंह, सी नंद सिंह, डी निर्मलजीत सिंह। मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँ। केड़ी वाली? एक्सपर्ट एडवाइस देना चाहते। कंप्यूटर जी, सरदार गुरशरण सिंह जी एक्सपर्ट एडवाइस लेना चाहते ने, सो आज एक्सपर्ट एडवाइस वास्ते साढ़े कोल सरदारनी गुरमीत कौर जी, जेडे के SS मोता सिंह स्कूल दे टीचर भी ने, वो साढ़े कोल लाइन ते अवेलेबल ने। तो मैं उन्होंने बेनती करांगा कि एक तो पहला जी आया कहना अपनी टीम वालों। सरदारनी गुरमीत कौर जी, मेरे को सा गुरशरण सिंह जी जिहड़े कि चंडीगढ़ तो आए ने, वो आओ बनिए गुरसिख प्यारा दी हॉट सीट ते पहुँचे ने और ये प्रश्न आप जी दे सामने है और इन्हां नूं इस वेले आप जी दे एक्सपर्ट एडवाइस दी लोड़ है। तो कृपा करके
आप इस तो दसो कि सा गुरशन सिंह जी केड़ी ऑप्शन दे नाल जान ताकि ये खेल वे इस प्रतियोगिता च अगे वध सकन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बच्चे जी, आप जिस क्वेश्चन ते रुके हो उदा आंसर ऑप्शन ए है, जगजीत सिंह अरोड़ा। सरदारनी गुरमीत कौर जी ने जड़ा उत्तर दिता है, क्या गुरशरण सिंह जी उहदे नाल जांदे ने कि नहीं जांदे? जे जांदे ने तो उहदा उत्तर की होएगा? मिलदे हाँ थोड़े जे ब्रेक तो बाद। आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे नाल, इस तरह ही जुड़े रहो। वेलकम बैक, आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे इस एपीसोड दे विच असीं तुहानूं जी आया कहने आ। इस एपीसोड दे विच सरदारनी गुरमीत कौर जी जिहड़े कि SS मोता सिंह स्कूल दे टीचर ने, जिन्हां ने साहब गुरशरण सिंह जी नूं कुछ सवाल दा जवाब दस्या है और उन्होंने सवाल दा जवाब दिता है साहब गुरशरण सिंह जी के तुहानूं ऑप्शन ए यानी कि जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जिहड़े कि 1971 दी हिंदुस्तान पाकिस्तान वार जिहदे विच हज़ारां दी तादाद च पाकिस्तानी फौजां ने सरेंडर कीता सी, उहदे नाल जाणा चाहीदा है। क्या तुसीं जाणा चाहुंदे हो? हाँ जी। ए ऑप्शन नाल जाणा चाहुंदे हो? हाँ जी। तो कंप्यूटर जी, साहब गुरशरण सिंह जी ऑप्शन ए नाल जाणा चाहुंदे ने। इज द राइट आंसर। बहुत बहुत धन्नवाद सरदारनी गुरमीत कौर जी, आप जी ने, मैं अपनी टीम वालों भी और नाल नाल साहब गुरशरण सिंह जी वालों आप जी का धन्यवाद करता हाँ कि आप जी ने साहब गुरशरण सिंह जी नूं इस प्रतियोगिता दे विच अग्गे वधाया और तुसी साडे प्रोग्राम नाल जुड़े, तुहाड़ा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप जी नूं असीस देना चाहनी हाँ ते आप जी इस प्रोग्राम विच होर अग्गे वधो ते वाहिगुरु अपना मेरा प्रवाह हक आप जी दे सिर ते रख। तो साहब गुरशरण सिंह जी, इस प्रतियोगिता नूं असीं अग्गे ले जांदे होए इस तों पहलां दसना चाहुंदे हां कि इतिहास दे सुनहरे वर्कियां दे विच इस हिंदुस्तान दी आज़ादी तों बाद जदों भारत आज़ाद होया है, इह इक ऐसी जंग सी जिहदे विचकार इस दा सेहरा जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा नूं मिलिया सी, जदों कि हज़ारां दी तादाद च लगभग 90,000 फौजां ने, पाकिस्तानी फौजां ने भारतीय फौजां दे अग्गे समर्पण किया सी और बंगलादेश का एक स्वतंत्र देश के दे रूप विचकार उदय होया सी। सो ये मान जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा जी नूं मिलिया सी और सानू उन्हां नूं सिख हुंदिया होया इस चीज़ का मान महसूस करना चाहिए है और पूरे भारत नूं इस चीज़ का मान महसूस करना चाहिए, ठीक है ना जी? सो मैं बेनती करांगा कि इस प्रतियोगिता नूं अग्गे वधांदे होए सरदार गुरशरण सिंह जी नूं अगला प्रश्न दिता जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरैक्ट, यानी जिहड़ियां हेठ लिखियां स्टेटमेंट है यानी जो तुहानूं नज़र आएगा उहदे चों कीहड़ी स्टेटमेंट गलत है? ए गुरु अर्जन देव जी वॉज द सन ऑफ गुरु रामदास जी। बी गुरु तेग बहादुर जी वॉज द ग्रैंड सन ऑफ गुरु हरगोबिंद साहिब जी। सी गुरु हर राय जी वॉज द ग्रैंड सन ऑफ गुरु हरगोबिंद जी। डी गुरु हरगोबिंद जी वॉज द सन ऑफ गुरु अर्जन देव। मैं ऑप्शन बी नाल जाना चाहूंगा। बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी नाल जाना चाहते ने, कृपा करके लॉक किया जाए जी। वेरी राइट आंसर। कि ये स्टेटमेंट गलत है कि गुरु तेग बहादुर जी वॉज द ग्रैंड सन ऑफ गुरु हरगोबिंद जी। बिल्कुल ठीक खेलते पे हो और तुसी लेवल वन नू बड़ी खूबसूरती और बड़ी कामयाबी नाल सफलता प्राप्त की है, तुहानू साड़ी टीम वालों बहुत बहुत बधाई हो। सो साहब गुरशरण सिंह जी, इस तो बाद असी छेवें प्रश्न वाल वधांगे। मैं कंप्यूटर जी नू बेनती करांगा कि हुण साहब गुरशरण सिंह जी लेवल वन दे इनाम दे हकदार हो गए ने।
और ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਤਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਟਾਈਟਲ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੂ ਫਾਊਂਡਿੰਡ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ, ਕਿਸ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ, ਬੀ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਡੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਸਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਬੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਨ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਔਰ ਉਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੌਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੁੱਖ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਔਰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਨ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਬੈਟਲ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਗੋਟ ਮਾਰਟਰ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜੰਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਏ ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ, ਬੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਮੁਕਤਸਰ, ਸੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਪਾਨੀਪਤ, ਡੀ ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੰਗਾਨੀ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ, ਮੈਂ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ 50-50 50-50 ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਗਲਤ ਜਵਾਬ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਚਮਕੌਰ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਬੰਗਾਨੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਡੀ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਵੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੋਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੇ ਜਨੇਊ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜੱਥਾ ਆਇਆ ਸੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜੀ ਔਰ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਕਿਰਪਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ
अज इतों की रवानगी लैनी पेगी। लेकिन असी बड़े खुशी नाल तुहानू कह रहे हैं कि तुसी मुड़ आओगे, तुसी फिर हिस्सा लाओगे और इस प्रतियोगिता नू जितन वास्ते फिर कोशिश जारी रखोगे। सगुरशन सिंह जी, तुसी बहुत अच्छा खेले, लैवल वन क्रॉस किया और लैवल टू के विचकार जाके तुसी एक प्रश्न का उत्तर ना देने कारण अगे इस खेड विचकार तुसी इस प्रतियोगिता दे अगे नहीं वध सके। लेकिन इस उम्मीद दे नाल तुहाडे कोल विदाईगी लै रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर इस कोशिश नू तुसी जारी रखोगे और इस हॉट सीट तो टाइटल जीत के जाओगे, ये मेरा विश्वास है। तो अज तुहानू असीसां ते प्यार देने वास्ते इस स्थान पर मैं बेनती कर रहा सरदार गुरप्रीत सिंह जी, जिहड़े कि लिविंग ट्रेजर संस्था दे नाल संबंधित ने, वो इस बच्चे नू प्यार ते असीस देंगे। आओ रल के अपनी नवी पनीरी नू सांभण की कोशिश करिए और अपने इतिहास ते विरसे नू इन्हां तक पहुँचाण की कोशिश करिए ताकि साडी कौम का भविख उज्जवल रह सके। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद साहब गुरप्रीत सिंह जी और बहुत बहुत धन्यवाद वीर गुरशरण सिंह जी। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। आप देख रहे सो इस एपीसोड दे विच, आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे इस हॉट सीट दे उत्ते। काका गुरशरण सिंह जी जिहड़े कि चंडीगढ़ तो आए सन और उन्होंने लैवल वन नू बड़ी खूबसूरती दे नाल तय किया, लेकिन लैवल टू दे विचकार प्रश्न का उत्तर ना देने दे कारण भावें वह अज इस प्रतियोगिता तो बाहर हो गए ने, लेकिन उस बच्चे दे अंदर बहुत हौसला सी, बहुत बुलंदी सी ताकि इस प्रतियोगिता नू मैं जित सकां। किसी भी चीज़ का कभी कोई अंत नहीं हुंदा, हर एक चीज़ की शुरुआत होती है, इट्स अ बिगनिंग। सो आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे इस एपीसोड दे विचकार अपने अगले प्रतियोगी नू लैके असी बहुत जल्दी हाजिर होने। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। आओ बनिए गुरसिख प्यारा दे इस एपीसोड विच आप जी नू फिर जी आया कहंदे आ। सिख कम्यूनिटी ग्लोबली प्लेस्ड है, लगभग 150 कंट्रीज दे विच सिखां दी प्रेजेंस है, पर की असी अपने गुरबाणी दे सिद्धांतां नू, गोल्डन प्रिंसीपल्स नू सारी ग्लोब तक पहुँचा सके हैं? शायद नहीं। लोड है वर्ल्ड दिया मोस्ट स्पोकन 50 लैंग्वेजेस दे विच गुरबाणी और सिख हिस्ट्री दे बारे नॉलेज स्प्रेड की जाए। सो आओ अज असी अपने अगले कंटेस्टेंट बीबी हरशरण कौर जी नू जी आया कहते हैं, प्लीज़। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बीबी हरशरण कौर जी, आप जी सीट ते सज्जो जी। बीबी हरशरण कौर जी, आप जी एक सिलेक्शन टेस्ट चो सक्सेसफुल होके साडे पास इत्थे हॉट सीट ते पुजे हो, असीं आप जी नूं मुबारक दिंदे हां, जी आया कहिंदे हां। ते आप जी अपने बारे सानूं कुछ दसो। प्रेजेंटली आई एम अ हाउसवाइफ एंड आई हैव डन एमबीए इन 2011। ओके। In school timings, I am champion in table tennis game and I got gold medalist. Very good. बहुत अच्छे। आप जी gold medalist रहे हो? जी। State level ते या district level ते? School time ते, state level ते, then college timing ते, district level ते। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। की तुसी इस hobby नू या इस अपने passion नू continue कर रहे हो? नहीं जी, हुन ते time नहीं मिलता। हुन time नहीं मिलता। हुन ते कीर्तन सुनना करना यही ज़्यादा main रह गया। ठीक है जी। सो असी आप जी दे नाल अज दा एक कंपीटीशन आरंभ करते हाँ। कंपीटीशन शुरू करन तो पहले मैं आप जी नू गेम दे रूल्स जरूर शेयर करना चाहवांगा। साढ़े कोल 3 लैवल ते 13 क्वेश्चन आप जी दे सामने आणगे, लैवल 1, 2 एंड 3। पहले लैवल ते आप जी नू 45 सैकेंड्स मिलणगे किसी रिप्लाई देण लई, लैवल 2 ते 60 सैकेंड्स एंड लैवल 3 ते टाइम लिमिट खत्म हो जाएगी। और हर वेले आप जी पास 2 लाइफ लाइन होणगियां, उन्हां दा तुसी जुडिशली
इस्तेमाल करके ते गेम अगे बढ़ सकते हो। सो अगर आप जी इजाजत दो तो क्वेश्चन नंबर 1 आप जी दे लई आप जी दी स्क्रीन ते लेंगे। ओके, सो पहला क्वेश्चन बीबी हरशरण कौर जी लई उन्हां दी स्क्रीन ते। ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मैसेज फ्रॉम श्री गुरु ग्रंथ साहिब। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे विचो हेठ लिखे ऑप्शनस दे विचो केड़ा संदेश नहीं है? ए वन गॉड फॉर ऑल, बी वीमेन आर इनफीरियर टू मैन, सी प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी एंड डी लिव ट्रूथफुल। केड़े ऑप्शन नाल आप जी जाना चाहोगे? आप जी ने टाइम का भी ख्याल रखना है ते लाइफ लाइन यूज करने बारे भी पूरा ख्याल रखना। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, वीमेन आर इनफीरियर टू मैन। आप जी ये कहना चाहते हो कि मैसेज श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच नहीं है। सो देखते हाँ कंप्यूटर जी प्लीज बी ऑप्शन नू लॉक करके सानू ठीक जवाब दसिया जाए। इट्स द करेक्ट आंसर। बहुत बहुत अच्छे, बहुत वधिया जी। सो वी कैन मूव टू क्वेश्चन नंबर 2 नाउ। वेयर वॉज भाई मती दास जी मार्टियर्ड? भाई मती दास जी नू केड़ी जगह ते शहीद किया गया? तुहाडे ऑप्शनस तुहाडी स्क्रीन ते। ए चांदनी चौक दिल्ली, बी चांदनी चौक लाहौर, सी गुरदासपुर पंजाब या डी तलवंडी साबो की पंजाब। इट्स ऑप्शन ए चांदनी चौक दिल्ली। यू वांट टू गो विद ऑप्शन ए? जी चांदनी चौक दिल्ली जी। लॉक कर दी है जी? फाइनल आंसर? हाँ जी। सो ए ऑप्शन नू लॉक करके कंप्यूटर जी सानू दसो कि ठीक जवाब है या नहीं। ए बिल्कुल ठीक जवाब आ गया। बहुत अच्छे जी, बहुत खुशी है। असी विश करांगे कि तुसी इस तरह ही प्रोसीड करके आज इतो टाइटल विन करके जाओ। एंड नाउ क्वेश्चन 3 इज बिफोर यू ऑन योर स्क्रीन। ओ सदारनी हरशरण कौर जी, साडे शो का समा अज इत्थे ही समाप्त हो गया है। अगले हफ्ते असी आप जी दे नाल फिर कंटिन्यू करांगे क्वेश्चन नंबर 3 लई। सो तद तक लई असी अपने दर्शकों को इजाजत चाहते हाँ ते इस उम्मीद नाल विदा लै रहे हाँ कि आप जी इसी तरह ही आओ बनिए गुरसिख प्यारा शो दे नाल जुड़े रहोगे अते साडे नाल फेसबुक और ट्विटर ते अपने उचेचे मैसेज सुझाव देंदे रहोगे जिस नाल इस प्रोग्राम नू असी होर उचाइयां तक ले जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु की फतेह। This program is sponsored by Simco, Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer, Simco. Simco introduces all new Swift Power Hairspray, available in Mega and Ultra Strong. Simco, also available in gel form. ਇਹ ਹੈ ਗਾਇਸ ਸਿਮਕੋ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ 16 ਖਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਔਸ਼ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਬਥੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
क्योंकि एदे जो सारे आयुर्वेदिक तत्त हैगे ने जिदे नाल तुहाडे वालां नूं मिलदी है खूबसूरती, दमदार मजबूती, काले लंबे ते घने वाल। इस्तेमाल करो ते फर्क खुद वेखो बस कुछ ही हफ्तियां। A name you can rely upon, Simco. Simco Supreme Hair Fixer, Simco Classic Hair Fixer, Simco. A name you can rely upon, Simco.